हेलो फ्रेंड्स, व्हेन शुड यू कंसल्ट ईएनटी डॉक्टर? एक कान नाक गले के डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? यस दोस्तों, बात करेंगे वीडियो में माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार हमारे दिमाग में होते हैं कि हमें कब एक ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट को। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, ईएनटी मतलब ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट। सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड जिनका हम डिस्कस करेंगे, जब तुरंत हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। नंबर वन, ईयर से रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर वन, जैसे आपको हमारे कान से क्या है, कोई डिस्चार्ज आ रहा है, कान के अंदर सुनाई कम दे रहा है, कान के अंदर पेन हो रहा है, तो ये तीन कॉमन प्रॉब्लम हैं जिनके कारण आपको तुरंत जो है वो ईएनटी के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको जो है कान के अंदर रिंगिंग साउंड्स आ रही है, कान के अंदर बहुत बार क्या है, साईं साईं की, जिसको हम कान का बजना भी बोलते हैं, बच्चों के अंदर कान में दर्द है, उनको सुनाई कम देता है, या कान के अंदर बार बार डिस्चार्ज आ रहा है। और दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि बार बार कान में हम खुजली करते हैं, ये भी नहीं करके हमें तुरंत डॉक्टर को ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा नोज से रिलेटेड वो क्या चीजें हैं जब हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कंप्लेंट नेजल डिस्चार्ज, यानी नाक से क्या है, लगातार पानी का बहना, नेजल ब्लॉकेज रहना, नाक के अंदर बार बार ब्लीडिंग होना, नाक के अंदर खुशबू बदबू का पता नहीं लगना, नाक के अंदर फाउल स्मेलिंग का आना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है हमारा जो चेहरा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फेशियल पेन का होना, हेडेक होना, मॉर्निंग में हेडेक होना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे नोज से रिलेटेड हैं। बहुत बार जो है अगर आपका नोज जो है रिगार्डिंग जो है लुक के अंदर जो है हमारा नोज विकृत है, डेविएटेड है, बैठा हुआ है, या हमारे चेहरे के अनुरूप नहीं होता है, तो भी हमें एक ईएनटी सर्जन को, ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना होता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे थ्रोट से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। नंबर वन, आपको जो है बार बार गले में अल्सर होना, बार बार गले में छाले होना, इसके अलावा हमें जो है वो स्नोरिंग होना, रात को जो है खर्राटे आना, इसके अलावा सोर थ्रोट, यानी आपको बार बार गला साफ करने की जो हैबिट्स होती है, तो हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें वॉइस से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, हमारी वॉइस चेंजेज हो गई, हमारी वॉइस भारी हो गई, या हमारी आवाज पतली, तो भी हमें ईएनटी जो है सर्जन को दिखाना होता है, जिससे वो उसका कारण रूल आउट कर लेता है। दोस्तों, छोटे बच्चों में जो माउथ ब्रीदिंग होती है, मुंह से उनको जो सांस आता है, उनका जो नेजल ब्लॉकेज रहता है, एंड रात को वो जो खर्रांटे लेते हैं, वो भी ईएनटी सर्जन को दिखाना, या बड़े आदमी भी जिनको खर्रांटे आते हैं, वो हमारे को जो है ईएनटी सर्जन को दिखाना होता है। दोस्तों, इसके अलावा हमारा जो हेड एंड नेक, यानी जो हमारा नेक है, उसके अंदर हमारे को कोई स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग पेनफुल भी हो सकती है, वो पेनलेस भी हो सकती है, तो तुरंत हमें ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो हमारा थायराइड से रिलेटेड भी हो सकता है, वो हमारा लिम्फ नोड भी हो सकता है, वो कोई टीबी की गांठ भी हो सकती है। दोस्तों, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो हमें ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, जो हमारे नवजात होते हैं, जो हमारे न्यूबॉर्न होते हैं, उनकी भी हियरिंग स्क्रीनिंग के लिए हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट को दोस्तों दिखाना होता है। कि जो नवजात होते हैं उनको क्या है कि जैसे ही नवजात का जन्म होता है, उस टाइम पर उसका हियरिंग स्क्रीनिंग, उसका जो है पूरा ईएनटी चेकअप होना चाहिए कि कहीं कोई कंजनाइटल यानी जन्मजात विकृति तो नहीं है, या उसके अलावा उसका जो है एक हियरिंग का टेस्ट होता है, वही टेस्ट विद इन 5 मिनट में एक टेस्ट होता है, जिससे हम उसको आने वाले बहरेपन की समस्या से बचा सकते हैं, हमें तुरंत उसी टाइम पे पता लग जाएगा। सो दोस्तों, ये है ईएनटी, यानी ईयर नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड समस्या जब आपको है, तो तुरंत हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में मिथ होता है, वो मिथ को फॉलो नहीं करना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जैसे बहुत बार छोटे बच्चे बोलते नहीं है, तो हम इंतजार करते हैं बहुत समय तक कि उसको जो है हम देवताओं के लेके जाते हैं, बड़े जो है वो कई सारे पूजा पाठ कराते हैं, बट उसकी जो एबनॉर्मलिटी है वो आइडेंटिफाई नहीं होती और
बहुत बार क्या होता है कि उनका समय निकल जाता है. तो दोस्तों आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल एंड यू कैन शेयर टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि हमें जैसे ENT में कब दिखाना चाहिए. थैंक यू.